जो आकाशवाणी जम्मू है वो जी खबरों का अध्यक्ष हमारा संघू अब्दुल रहमान शाही। जम्मू कश्मीर का इंतखाबी कमिश्नर के शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जिला तरकियाती कौंसल का चुनाव का दूजा मरहला की पोलिंग है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर पंचायत एजाजात बारे इदारा ने मंजूरी दी गई है तो हूँ बेहतरीन कारकर्दगी वाली ग्राम ब्लाक जिले पंचायतों ने इनामत से नवाजो जाएगा। पाकिस्तानी फौजी दस्तों की तरफों कंट्रोल लाइन और पुंछ जिला में फायरबंदी माहिदा के खिलाफ वर्जी कर फायरिंग की गई है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 बारे दवा तैयार कर मंजूटी त्रै टीम से बातचीत की है। उन्होंने साइंसदानों ने मशवरा दिया है जो अपनी कोशिशों में तेजी लियावे। खबर की तफसील संग पहला मोहम्मद अकरम चौधरी। जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने आज जिला तरकियात कौंसल और पंचायत जिमनी चुनाव ना बा हिफाजत और आसान तरीका नाल कराने बारे की गई तैयारियों की जानकारी देने वास्ते जरराए ब्लाक नाल गलबात की। इस सिलसिले में जानकारी देता हुआ कमिश्नर मौसूफ ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर मरकज के जैर इंसाम इलाका में कुल 280 इंतखाबी हलका है और इन हलका विचों हर एक जिला में 14 इंतखाबी हलका शामिल है, जिन विचों चुनाव 43 हलका में कराया जा रहा है, जिनमें 5 कश्मीर सूबा और 18 जम्मू सूबा में है और ये इंतखाबात दूजा मरहला में 7 बजे सवेर ते 2 बजे शाम वेगा। उन्होंने मजीद दस्यो है जे दूजा मरहला के तहत होने वाला DDC चुनाव वास्ते 321 उम्मीदवार हैं, जिनमें 196 सूबा कश्मीर और 125 सूबा जम्मू ते शामिल हैं। उन्होंने मजीद जानकारी दी है जे जम्मू कश्मीर में 57 लाख तो ज्यादा वोटर हैं जेड़ा जे रायदंदगी को हक रखें, जिन विचों 7,95,000 वोटर अपना वोट वो हक दूजा मरहला के अंदर होने वाला चुनाव में अदा करेगा। उन्होंने कहा है जे 2,142 चुनावी मरकज तैयार किया गया है, जिनमें 837 सूबा जम्मू में है और 1,305 कश्मीर सूबा में शामिल है। पंचायती राज इदारा की सलाहियत जद्दोजहद और इम्तियाजी की शनाख्त करता इंतजामिया कौंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मरकज के जैर इंतजाम सतावर पंचायत अवार्ड्स का इदारा ना मंजूरी दे दीती है। ये इनामत 4 जुमरा मां ग्राम पंचायतां, ब्लॉक पंचायतां और जिला पंचायतां मां दिता जाएगा। 24 अप्रैल ना कौमी पंचायती राज दिन वर सालाना तकरीब का हिस्सा का तौर पर जीत हासिल करने वाला PRI ना जम्मू कश्मीर पंचायत इनामत मरकज के जैर इंतजाम सतह का प्रोग्राम मां दितो जाएगो, जिनमां 1 मोमेंटो और 3 लाख इनाम की रकम ग्राम पंचायत, 4 लाख ब्लॉक पंचायत और 5 लाख जिला पंचायत में शामिल है। UT अवार्ड वास्ते पंचायतों का इंतखाबात का अमल के दौरान ही कौमी अवार्ड का इंतखाबात की कार्रवाई भी अमल में आनी जाएगी। जिला तरकियात कौंसिल और पंचायत जिमनी चुनाव का दूजा मरहला की खातिर चुनावी अमलों सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अपना अपना चुनाव मकाम पर रवाना कर दी गयो है। चुनावी अमला ना चुनाव की खातिर साजो सामान जिनमा बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर, सैनिटाइजर और मास्क भी दिता गया है। जिला चुनाव अफसर कठुआ OP भगत ने दस्यो है जे जिला तरकियात कौंसिल का चुनाव और पंचायत का जिमनी चुनाव 2 DDC हलका महानपुर और मंडाली मां कराया जा रहा है, जित 51,758 वोटर हैं, जिनमा 24,005 कालसीरी वोटरान शामिल हैं। इन हलका में 113 पोलिंग मरकज कायम किया गया है ताजे इंतखाबात बासानी और शफाफियत नाल करवाया जा सके। उन्होंने कहा जे सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान तमाम मकाम पर चुनाव वास्ते तैयारी रखा गया है, जित वोटर 13 उम्मीदवार की किस्मत आजमाई करेगा, जिनमा 7 उम्मीदवार महानपुर और 6 उम्मीदवार मंडाली हलका ते हैं। जम्मू कश्मीर का रियासी मां जिला तरकियात कौंसल चुनाव का दूजा मरहला की खातिर सख्त हिफाजती इंतजाम के मद्देनजर चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे नुमाइंदा ने जानकारी दी ACD रियासी डॉक्टर अनुरीद राय ने इस तरह दस्यो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 DDC काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे हैं, तो महोर ए और गुलाबगढ़, जिसमें महोर ए में 13,466 वोटर्स हैं और गुलाबगढ़ में 13,925 वोटर्स हैं। इस इलेक्शन को हमने सुविधाजनक बनाने थर्मल स्कैनर्स की व्यवस्था की है, हमने स्प्रे पंप्स की व्यवस्था की है ताकि पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज होना चाहिए, इसके अलावा हमने मास्क की व्यवस्था रखी है, हमने हैंड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखी है ताकि हर वर्ग का आदमी अपना वोट कास्ट आसानी से कर सके।
सरकार ने आज क्यों है जे भारत मां 10 लाख आलमी आबादी के पीछे सब तो घट मौत हुई है। अपना एक ट्वीट मां वजारत सेहत ने क्यों है जे कट और शरमवात ना काबू में रखने की खातिर किया गया बंदोबस्त का नतीज मां रोजाना की बुनियाद पर अमवात 500 ते कट हुई है। भारत ने नाइजर मां 47वां खारजा बारे वजारत की कौंसिल का इजलास वेर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तरफों ओआईसी हकीकी गलत और बेजवाज भारत का हवाला वेर अपनाया कारदाद ना सख्ती और सफाई नाल मुस्तरद कर दितो है। यो इजलास इस महीना की 27 तारीख तो 28 तारीख के दरमियान हुआ थो। खारजा बारे वजारत ने अपना एक बयान मां क्यों है जे भारत ने हमेशा क्यों है जे ओआईसी को ले भारत का अंदरूनी मामला वेर मुदाखलत को कोई भी हक नहीं है। जिन मां मरकज के जैर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर भी शामिल है जेडो जी भारत को एक अटूट हिस्सो है। वजारत ने क्यों है कि बड़ा दुख की गल है जे ओआईसी हमेशा अपना आपना ऐसा मुल्खाना इस्तेमाल किया जान की इजाजत है जिन वो मजहबी मुखालिफ इंतहा पसंदी अकलेता नाल जुल्म सितम गैनाल नाल भारत मुखालिफ साजिशा मां शामिल रहे वो एक रिकॉर्ड रखे हुए है। ये खबर नाम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। खबर का बाकी हिस्सा नाल आ रहे हैं अब्दुल रहमान शाहीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 की वैक्सीन तैयार करने मौजूदी त्रय टीम संग बातचीत करें। वजीर आजम का दफ्तर की तरफ जारी एक बयान में क्यों है नरेंद्र मोदी कंपनियां जनेवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई ते डॉक्टर रेड्डीज की टीम संग बातचीत करेगा क्योंकि ये कंपनी कोविड 19 बारे दवाई बनाने में लगी हुई है। इससे पहले बार बार रोज वजीर आजम ने ऐसी तैयारियों बारे जानकारी हासिल की खातर पुणे मां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी तो रुकियो ताकि कोविड 19 से बचाव बारे भारतीय शहरियों की टीकाकारी बारे भारत का नक्शेरा नवाजा की जा सके। वजीर आजम ने कोविड 19 बारे दवाई तैयार करने का अमल की वजह से खुद जानकारी की खातर तय शहरों का दौरा के दौरान जेडस बायोटेक पार्क अहमदाबाद तय भारत बायोटेक सहूलत हैदराबाद को भी तो रोलायो। जिला तरकती कौंसल पंचायत का जिमनी इंतखाबात का दूजा मरहला के तहत आज डाइट कंपलेक्स रजौरी ते रजौरी का मोगला ब्लाक की 53 पख पख जगह वास्ते पेंट पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है। पलक 22 पंचायतों में वोट कर लिया जाएगा जित 32,383 राय देनेगान अपना वोट को इस्तेमाल करेगा। मुगला ब्लाक खवातीन वास्ते मुख्तस है जित 3 खवातीन उम्मीदवार जिला तरकती कौंसल को चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तानी फौजी दस्ता ने कुछ दिनों की खामोशी तोड़ता हुआ आज फिर पेशी वेले के बाद कंट्रोल लाइन वरजला पुंछ का शाहपुर सेक्टर में छोटा ते बड़ा हथियारा और मार्टर का गोला संग बिला इख्तियार अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। दिफाई तर्जमान कर्नल देवेंद्र आनंद ने आल इंडिया रेडियो संग बातचीत करता हुआ दस्यो है जे अज पेशी 3:10 वर पाकिस्तानी फौजी दस्ता ने फायरिंग शुरू की मगर सरहद पर तैनात भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करता हुआ पाकिस्तान ना टक्कर को मुंह तोड़ जवाब दितो। आखिरी खबर मिलने तक याद तरफा गोलाबारी जारी थी। भारत आज मजाजी तौर शंघाई तावन तंजीम यानी SCO सरबराहान हुकूमत कौंसिल की मेजबानी कर रही है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू इस मीटिंग की सदारत करेगा। वजारत खारजा की तरफ जारी एक बयान में क्योंकि आज पहली बार इस सतह की कॉन्फ्रेंस की भारत सरप्रस्ती कर रहा है क्योंकि साल 2017 में भारत इस तंजीम को मुस्तकिल मेंबर बने। यह कॉन्फ्रेंस SCO का वजीर आजम सतह की हर साल मनकद है बुनियादी तौर तंजीम का तजारती व इकतदी एजेंडा न मदद हो जाए। इस तंजीम की सरपरस्ती उज्बेकिस्तान के बाद फिर अपनी बारी वर भारत ने पिछले साल नवंबर में हासिल की तो इस सरपरस्ती की मुद्दत इस महीना की 3 तारीख ना तक है। भारत पूरी उम्मीद है कि खिता में अमन त खुशहाली का नजरिया संग SCO में मजीद तजारती इकतदी व सकाफती तावन बढ़ेगा। वाजह है कि इस बार कोविड 19 से पैदाशुदा अलंकारा से निपटने वाला भारत की पहल न सिर्फ SCO मेंबर मुल्क वास्ते बल्कि तमाम मुल्क वास्ते फायदेमंद है। SCO मेंबर मुल्क रूस चीन कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तय उज्बेकिस्तान का वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी खारजी मामलात बारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी कर रहे हैं। SCO मेंबर मुल्क के अलावा SCO का निगरान मुल्क भी अफगानिस्तान ईरान बेलारूस तय मंगोलिया समेत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने दुबई का वजीर आजम मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम संग मुलाकात कर गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक जाती तहरीर उन्होंने सौंपी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने तमाम पहलुओं बारे भारत का रोल न मोतबर दस्यो। गुरु नानक देव जी का जयंती
की जयंती गुरुपर्व आज पूरी दुनिया की तरह भारत में भी मजबूत जोश खरोश संग मनाया जा रहा है। आज वो दिन सिख बरादरी का पहला गुरु गुरु नानक को जन्मदिन है जिन्होंने सिख मजहब की बुनियाद रखी। इस साल गुरु नानक देव जी को 551वां जन्मदिन है। इस रोज अकीदतमंद पूरी दुनिया में पूजा करें तो अमृतसर में वाक्या गोल्डन टेम्पल में गुरुपर्व बड़ा ही जोश जज्बा संग मनाया जाए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर लोगों मुबारकबाद कही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुरुपर्व का मौका पर लोगों का मुबारकबाद कही है। इसके अलावा खबरों में बुलेटिन खत्म हुआ।